9 अक्टूबर 2020 को पीटीए ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद की थी। पाबंदी लगाने की वजह क्या थी कि गैर इखलाकी और गैर महज़ब मवाद वहां पर अपलोड किया जा रहा था, तो बहुत से लोगों की जानिब से शिकायत लगाई गई पीटीए को। और इसके अलावा वज़ीर आज़म के पोर्टल के ऊपर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पीटीए ने फैसला किया कि 9 अक्टूबर को हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं और कुछ ही देर में पाकिस्तान के किसी भी मोबाइल में, किसी भी जगह पर आपके मोबाइल में टिकटॉक जो है वो चल नहीं रही थी। और उसके बाद एक ख़बर आई कि जन्नत मिर्ज़ा, जो कि 10 मिलियन फॉलोवर्स पूरे कर चुकी थी 8 अक्टूबर को, उनको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई और उन्होंने फैसला किया कुछ मीडिया के ज़राए के मुताबिक कि वो जापान परमानेंट शिफ्ट हो रही है, क्योंकि टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। अब पीटीए ने नोटिफिकेशन इशू किया है कि जनाब टिकटॉक से पाबंदी हटा दी गई है। नोटिफिकेशन इस वक्त आप लोग के सामने है स्क्रीन पर। टिकटॉक इज़ बीइंग अनलॉक्ड आफ्टर अश्योरेंस, छोड़े आप इंग्लिश में लिखा हुआ, आपको इससे क्या लेना देना। बहरहाल टिकटॉक ने अब ऐलान कर दिया है कि हम पाबंदी हटा रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई किसी किस्म का कोई गैर इखलाकी गैर महज़ब किस्म का कॉन्टेंट डालेगा, घटिया कॉन्टेंट डालेगा, तो हमारे पास इख्तियार होगा कि हम उन अकाउंट्स को ब्लॉक करवाएंगे टिकटॉक मैनेजमेंट को कहकर। और टिकटॉक की मैनेजमेंट ने ये यकीन दहानी कराई है कि कोई इस किस्म का कोई कंटेंट हुआ गैर अखलाकी गैर महज़ब, कोई वतन मुखालिफ हो, तो हम उस कंटेंट को, उस अकाउंट को जो है हम ब्लॉक कर देंगे। इसके अलावा पीटीवी ने भी खबर चला दी है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से टिकटॉक ऐप खोलने का फैसला, टिकटॉक इंतजामिया की जानिब से गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाले अकाउंट्स बंद करने की यकीन दहानी। टिकटॉक इंतजामिया ऐसे अकाउंट्स का मुकामी कवानीन के मुताबिक करेगी, तर्जुमान पीटीए। चलो अब आपका फिर शुगल मेला शुरू हो चुका है, वो टिकटॉक के एक वज़ीरे आज़म है उनका हो चुका है, अब वो दोबारा से आएंगे स्क्रीन पर। और उसके बाद जनाब आपके अली हैदराबादी जो चलते हुए हीरो बन गए, लोग चलते चलते कहीं दूर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वाहिद इंसान है पाकिस्तान का जो चलते चलते हीरो बन गया है। और बनाने वाले कौन हैं? आप लोग, और कोई और नहीं है। अगर आप खुद चल लेते उसको चलाने के बजाय, उस तरह का चश्मा पहनकर, उस तरह की नीली पीली लाल शर्टें पहनकर, तो आप आज हीरो बने होते, लेकिन अली हैदराबादी को अब आप लोगों ने हीरो बना दिया, अब आप लोग उसको भुगते। इसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे ड्रामे हैं फजूल, 90% जो कॉन्टेंट टिकटॉक पर डाला जाता है इंतहाई घटिया फजूल गैर इखलाकी, कोई सर पैर नहीं होता उसका। और फिर आप मुकाबला करने आते हैं यूट्यूबर्स का, यूट्यूबर्स की खुशी चल रही थी, मैं भी उसमें शामिल था, लेकिन अब ये ऐप दोबारा खोल दी गई है। मेरे ख्याल से अब इनका इन्फ्लुएंस इतना नहीं रहेगा जितना इससे पहले था, क्योंकि एक ब्रेक जब आ जाता है तसलसल जो होता है वो टूट जाता है। जितने नानी वाले, शानी वाले और ये पता नहीं कौन कौन से वाले हैं, अब मेरे ख्याल से उनको इतना नहीं फॉलो किया जाएगा। हाँ, जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, आई थिंक उनका जो है कैरियर ठीक रहेगा, वो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन टिकटॉक की दुनिया जो है अब उस पीक पर नहीं होगी जैसे पहले थी। आपकी इससे मुतल्लिक क्या राय है? गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है, पीटीए ने जो नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि जनाब हमने टिकटॉक से पाबंदी हटा दी है, लेकिन जो गैर अखलाकी मवाद अपलोड करेंगे उनके अकाउंट जो है वो हम बंद करवाएंगे टिकटॉक को कहकर, आपके ख्याल से ये फैसला जो है वो कैसा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।